नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित की जा रही बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने की कोशिश के तहत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए तुगलकी फरमान के बाद आज के एग्जाम के पेपर इंग्लिश के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा थानों में हाजिरी देने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी के तहत आधा दर्जन शासकीय और अशासकीय शिक्षकों ने महगांव थाने में पहुंचकर उपस्थिति दर्ज कराई है। साथ ही उनका कहना है कि वह तो बच्चों को पढ़ाकर सामाजिक कर्तव्य की अपनी योग्यता के माध्यम से पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन का जो भी आदेश होगा उसका पालन जरूर करेंगे, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी का शिक्षकों की गरिमा के खिलाफ आदेश है, जिसका विरोध अपने प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से विरोध दर्ज कराएंगे। वहीं भिंड कलेक्टर सतीश कुमार का कहना था कि शिक्षकों के थाने में बैठने की आज की व्यवस्था यथावत रहेगी, जब कल से विषय विशेषक शिक्षकों को अनियंत्रित स्थानों पर बैठाया जाएगा। क्या नाम है आपका, कौन सी कोचिंग चलाते हैं? मैं राजेश कामत नाम है मेरा, गेस्ट टीचर गवर्नमेंट हर सेकेंडरी स्कूल माननगर में पदस्थ हूँ। और गोरबी थाने से और महंगा थाने से दोनों से कम्बाइन सूचना मिली थी कि आपको थाने में पहुँचना है, तो मैं गोरबी नहीं जाते हुए मैं निवासरत महंगाव में हूँ, इसलिए मैं महंगाव में उपस्थित हूँ। तो क्या लग रहा है थाने में अपमानित महसूस कर रहे हैं आप लोग शिक्षकों को? नहीं सर, जो प्रशासनिक आदेश है उसका मैं कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। थाने में उपस्थित रहेंगे पूरी परीक्षा के दौरान? SDM साहब कह गए हैं कि 10:30 के बाद आप फोन लगा के। आपका और? मेरा नाम जसवंत सिंह प्रजापति है। आप थाने में उपस्थित हैं, शिक्षक हैं, किस विषय के या किस स्कूल में? मैं शासकीय हाई स्कूल कुंवार में पदस्थ हूँ। किस विषय? और मुझे फोन पर सूचना दी गई थी कि आपको 8 बजे महंगाव थाने में उपस्थित होना है, इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। किस विषय के आप शिक्षक हैं? मैं अंग्रेजी विषय पढ़ाता हूँ। चूँकि आज इंग्लिश का ही पेपर है? और चूँकि आज अंग्रेजी का पेपर है, जबकि मेरा जो विद्यालय है वो सिर्फ 10th तक है, और आज जो पेपर है वो हाई सेकेंडरी का है। तो आप मतलब इंग्लिश के टीचर हैं, इसलिए थाने में बुलाया गया? हाँ, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। आपका थाने में उपस्थित है? नाम एडवोकेट आदित्य वर्धन है और मेरा दूसरा नाम अमित सिंह। तो नाम उपस्थित है। एडवोकेट हैं, थाने में क्यों उपस्थित हैं आप? थाने में इसलिए उपस्थित हूँ कि मेरे पास फोन आया था किसी ब्लॉक अधिकारी का, आइटम में उन्होंने कहा था कि आप विद्यालय इंग्लिश पढ़ाते हैं तो आप इसमें थाने में उपस्थित हों। तो लेकिन बात यह है कि मैं पढ़ाता था, लेकिन कोचिंग का व्यवसाय मैंने बंद कर दिया है। आज सेशन न्यायालय महगाँव में अधिवक्ता के तौर पर पदस्थ थी या कार्यरत थी। और दूसरी बात यह है कि उसमें मैं आपका संदीप सिंह यादव। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट टीचर इंग्लिश पढ़ाता हूँ और सरस्वती हाई सेकेंडरी स्कूल है मैं सरवाजी के साथ पदस्थ हूँ। तो थाने में आए आप? थाने मुझे कल शाम को 11:30 थाने से फोन की सूचना मिली थी कि कल इंग्लिश का पेपर है और आप इससे विशेषज्ञ हैं, आपको थाने में उपस्थित होना है, इसी वजह से मैं आया थाने में उपस्थित हूँ। तो क्या शिक्षकों के अपमानजनक ऐसा आदेश जारी हुआ, अपमान लग रहा है, थाने में बैठना पड़ रहा है आपको शिक्षक? समाज सुधार जो व्यक्ति समाज के लिए काम कर रहा है, शिक्षा का प्रचार कर रहा है, उसे आप इस तरीके से थाने में बुला रहे हो, तो उस व्यक्ति से पूछो उसकी भावना किस प्रकार से पीड़ित होंगी, किस प्रकार से आहत होगा। तो आप कलेक्टर वगैरह से मिलेंगे इस मामले में जाके? अब कलेक्टर साहब ने खुद ही आदेश जारी किया होगा, तब हमें यहाँ बुलाया गया है, मिलने से क्या है? वो अधिकारी इतने मतलब एक आईएएस है, उसको खुद सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति एक समाज सुधारक काम कर रहा है, हमें जिम्मेदारी काम कर रहा है, उसको आप थाने बुला रहे हो, या हमें वहाँ पर सेंटर पकड़ा जाता है किसी प्रकार से हमारी कोई गलत गतिविधियाँ होती तो हमें थाने बुलाते। शिक्षकों को परीक्षा के दौरान थाने में बैठाना यह एक अपमानजनक व्यवस्था है। अगर शिक्षक किसी विषय का विशेषज्ञ है तो वह इसका अपराध नहीं है। अगर हाँ प्रशासन के पास कोई सबूत है कि वह नकल कराता है तो प्रशासन उस पर वैधानिक कार्रवाई करे, लेकिन इस तरीके से थाने में शिक्षकों को बैठालना ये अपमानजनक व्यवस्था है, और इस अपमानजनक व्यवस्था को मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। और प्रशासन को आज मैं ज्ञापन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री को भी इस विषय से अवगत कराऊँगा। तो यहाँ प्रेसिडेंस रहा है कि जिस दिनांक को जो परीक्षा है उसका विषय विशेषज्ञ जो भी जिले में है तो उनको प्रत्यक्ष से अलग जगह में बिठाते रहे हैं, ये प्रेसिडेंस रहा है। ये भी एक नकल रोकने का प्रयास रहा है। जहाँ तक स्थान की बात है वो कल से हम विचार करके कोई अन्य स्थान में उनको ऐसा ट्रेनिंग के रूप में हम ले लेंगे, और आज के लिए वो यथावत है जिस स्थान में हमने बताए हैं आज के लिए रहेगा, कल के लिए स्थान बदलेंगे बट व्यवस्था तो सेम रहेगा। विषय विषय को एक जगह में हम कराएंगे, उसका संशोधित आदेश जारी करेंगे। चूंकि इसको लेकर के सचिन जी से तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया।
खुल गया, खुल गया। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।